संत अगर राजनीति में आते हैं तो मुझको लगता है कि जनता की राज होगा। साधु के लिए सर्व समाज ही उसका परिवार होता है। 450 साल की उम्र में माता पिता ने हनुमान जी महाराज को दे दिया और ऐसे व्यक्ति को दिया जो सर्वशक्तिमान हमारे गुरु जी थे। अहंकार मत करिए कि मैं फला वर्ण का हूँ, कर्म किसका कैसा है। घृणित आक्रमणकारियों ने, समाज में जहर और द्वेष फैलाने वाले लोगों ने इतना जाति पाति का रंग दे दिया, इतना भेदभाव का जन्म दे दिया, जिससे समाज में इस समय उस प्रकार से क्लेश फैली है जिसका जवाब नहीं। साधु अक्खर प्रवृत्ति के होते हैं, समझो वो महात्मा का प्रसाद है, लेकिन जब हम संकल्प करते हैं तो बोलते हैं अछूत पुत्र, हम दास हो गए, हम हरिजन हो गए, भगवान की दास हो गए, इसके नाते हमसे बड़ा चमार कौन धरती पे पैदा लिया, गर्व से कहता हूँ। फिर उन्होंने संबोधन करना सबको शुरू किया। जब संबोधन सबको शुरू करना किया, मेरा नाम नहीं लिया, तो मन से मैंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया कि हे हनुमान जी महाराज, पूज्य महाराज जी के जो है सिर पर ऐसा गदा मारो कि एक शब्द मेरे लिए बोल दे, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगने लग गया था कि कई लाख रुपया लेकर 2 4-व्हीलर लेकर चुनाव में बैठ गए मेरे जो शुभचिंतक जो मुझको निर्दल लड़ाते थे। बीच भाषण में उन्होंने कहा कि मैं राजूदास जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, पूरी टीम सहित यह पुनः बीजेपी में आए मेरे कहने के नाते और पुनः चुनाव जिताकर लेके आएंगे। कंकर कंकर में संकर देखता हो जो धर्म, आज वो धर्म भारत में नव राज्य में अल्पसंख्यक हो जाए, इसके नाते इस पर कार्य करने की जरूरत है। लोग हैं जो अक्सर सनातन धर्म पर कटाक्ष करते रहते हैं, यहाँ तक इन्होंने रामचरितमानस को ही जलाने की चेष्टा की। क्या था पूरा मसला? अगर हम कोई शब्द बोलते हैं तो सीधे तौर पर आरोप लगेगा कि हनुमानगढ़ी का महंत, हनुमानगढ़ी के संत, चाहे इस संत ने ऐसे अभद्रता का प्रयोग किया, हम व्यक्तिगत कहाँ रह गए। बोला ऐसे ही तुलसी दुबुआ भी रामचरितमानस में जो गाली लिखा है, बताओ एक पापी कहता क्या है। पापी यह कहता है कि जैसे ही भैया राम का रूप मैं बनाता हूँ वैसे ही वो मेरी बेटी दिखने लगती है। उस रामचरितमानस को कोई फाड़ने, प्रतिबंध और जलाने की बात करेगा तो स्वाभाविक हम साधु है, धर्म के रक्षक है, खून खौलेगा। आप सनातन को नहीं मानते, मैं इस्लाम को नहीं मानता तो मुझको किसने अधिकार दिया इस्लाम को गाली देने का। मैं ईसाईत को नहीं मानता तो प्रभु यीशु को किसने बोला कि गाली देने के लिए। मैं कहाँ गाली देता हूँ, ना मोहम्मद साहब को गाली देता हूँ, ना प्रभु यीशु को गाली देता हूँ। हिंदू मतलब चोर, इतनी मजाल हो गई किसी को। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। नारद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है। और मैं एक आपको एक घटना सुनाता हूँ, एक संस्मरण मुझे याद है। 2012 में मैं अपने गांव से इंटर पास करके अयोध्या आया और साकेत पीजी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो जब मैं सबसे पहली बार अयोध्या कॉलेज के सामने उतरा तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी महंत राजूदास जी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अभी तक योगी जी को देखा था राजनीति में कदम रखते हुए और सारी चीज़ें करते हुए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि अब हमारे जो अयोध्या के संत महात्मा है राजनीति में, क्या उनका भी क्या ऐसे कुछ होता है। लेकिन उसके बाद जो है कुछ दिन बाद मैंने सुना कि आपने चुनाव उस समय नहीं लड़ा, उस घटना से थोड़ा शुरू कीजिए, क्या हुआ था उस वक्त। पहले तो मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ और इस चैनल के लिए आपके सभी दर्शकों को मैं ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप अपने बेशकीमती वक्त निकाल कर आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े और अच्छा लगा कि आपका जो इस अभी तत्काल का जो मुहिम है उस मुहिम से इतर हट के आज सवाल पूछ रहे हूँ। संत अगर राजनीति में आते हैं तो मुझको लगता है कि शुचिता, शुद्धता और 24 कैरेट जनता की राज होगा। साधु के लिए सर्व समाज ही उसका परिवार होता है। बाकी में साधु है तो अगर साधु में भी छद्म भेषधारी लोग हैं, जैसे ठीका पट्टा टेंडर में लग गए, जैसे किसी अन्य महिलाओं से संबंध में लग गए, किसी एक परिवार को बढ़ाने में लग गए, तो उसको साधु नहीं कहते। साधु का मतलब होता है जो सनातन सिखाता, क्या धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व का भाव हो, जो सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात करे, जो सबके लिए चिंता और चिंतन करे, सबके लिए मनन करे, सबके लिए प्रयास करे, सबके लिए एक योजना रचना बनावे कि ठीक है हम साधु हैं, एक परिवार छोड़ के आए और संसार परिवार हो गया, तो मुझको लगता है कि वही उसी को हम साधु कहते हैं। तो मैं
निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी तमाम ऐसे संत महात्मा हैं जो उनके राजनेता नेता शिष्य हुआ करते हैं, वो अपने शिष्यों को शस्त्र और शास्त्र सुसज्जित करके और आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति में भी उनको रखना चाहिए, लाना चाहिए। और आभार व्यक्त करता हूँ आप साकेत महाविद्यालय, हमारी वो जन्मभूमि है और वहीं से हम लोगों का जन्म हुआ है। और मैं सामान्य सा एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और माता पिता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। माता पिता ने लिया के दिया कहाँ, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी और हनुमान जी महाराज के दरबार में। हो सकता था देश और दुनिया में कहीं भी हमको वो दे सकती थी, लेकिन हनुमान जी महाराज के यहाँ और हनुमानगढ़ी में दिया। और हनुमानगढ़ी में भी ऐसे गुरु के पास दिया जो सर्वशक्तिमान गुरु है मेरा। तो रहने का जी 4.5 साल की उम्र में माता पिता ने हनुमान जी महाराज को दे दिया और ऐसे व्यक्ति को दिया जो सर्वशक्तिमान हमारे गुरु जी थे। तो इसके नाते मुझको लगता है कि गुरु जी शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक हैं, गुरु जी शुद्ध रूप से भजनानंदी महात्मा हैं। गुरु जी को समाज से किसी भी प्रकार से मतलब नहीं। जो सामान्य भक्त आते हैं उसके साथ बैठ कर चर्चा कर लेते हैं, वो जरा सा भी डेंट पेंट सेंट वाले आते हैं उनके साथ ना उठते हैं ना बैठते हैं ना मिल सकते हैं। वो ऐसे खड़ी भाषा में बात करेंगे जो मल्टी फोर्स का जो भाषा होता है उस भाषा में, तो डर के मार्च कोई जाता भी नहीं। लेकिन मैं गुरुजी को बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने आश्रम में रखा, रखा भी तो ऐसे जगह पे रखा कि सीधे हनुमान द्वारे हम रखवारे, जैसे राम द्वारे तुम रखवारे, वैसे इस स्थिति परिस्थिति में। तो बहुत आभार धन्यवाद है। नहीं, आपने कहा 4.5 साल की आपके थे, तो 4.5 साल बहुत छोटी उम्र होती है। कभी ये मन में नहीं आया, माता पिता से कुछ शिकायत नहीं हुई कि क्यों उनको अपने से दूर कर दिया? क्योंकि बाल्य का अवस्था होती है, माता पिता से प्रेम होता है। नहीं देखो, नहीं नहीं देखो 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 है क्या, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न क्या हुआ, अन्न हमने सर्व समाज का खाया। हम कोई खेत गोरने तो कोई महात्मा जाता नहीं भाई, कोई महात्मा खेत गोरने तो नहीं गया ना। महात्मा को सनातन प्रेमी 1 रुपया 1 करोड़ रुपया 1 मुट्ठी चावल चाहे 1000 बोरी चावल ले आके मंदिर में दान दिया, उस दान का प्रणाम स्वरूप हम लोग का लालन पालन हुआ। तो सात्विक प्रवृत्ति का वो अनाज था, इसके नाते सदैव विचारधारा सामाजिक ही रही है, सात्विक प्रवृत्ति का ही हुआ है। तो मुझको लगता है कि कभी भी नहीं याद आया, कभी भी नहीं याद आया। इतना हनुमान जी महाराज ने प्यार दिया, इतना हनुमान जी महाराज ने दुलार दिया कि माता और पिता का प्यार और प्रेम हनुमान जी महाराज ने दिया। तो श्री हनुमान जी महाराज जिसको मिल जाए वहाँ माँ बाप, लौकिक माँ बाप का कौन सा काम है। एक प्रश्न मेरा भी ये है और बहुत आवश्यक है सनातन धर्म के नज़रिए से देखा जाए। अभी मैं कल एक दलित बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, दलित चिंतक बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो दलित पैदा हुआ हो और उसका ब्राह्मण हो। तो मैं आपके ऊपर एक रिसर्च कर रहा था और सबसे पहले आपकी एक वीडियो आई टाइम्स नो के, आपने इंटरव्यू दिया तो आपने कहा मैं गर्व से कहता हूँ मैं दलित हूँ और मुझे गर्व है कि सनातन धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सनातन धर्म को सिर्फ जाति पात में बांटते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अगर आप दलित पैदा हो तो दलित ही रहोगे, ब्राह्मण नहीं बन सकते हो। लेकिन आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपने जैसे कहा बीचा चैनल पोस्ट में कर्म प्रधानता हमारे यहाँ जी, वर्ण नहीं। वर्ण में तो सौभाग्यशाली है कि जिस वर्ण में जन्म लिया वो गर्व करिए कि हम उस वर्ण में जन्म लिया, लेकिन अहंकार मत करिए कि मैं फला वर्ण का हूँ। कर्म किसका कैसा है, कर्म देखिए, ब्राह्मण कुल में रावण जन्म लिए, त्रिकालदर्शी पंडित था। हम तो आपकी भाग्य देखकर नहीं बता सकते, लेकिन रावण त्रिकालदर्शी पंडित था और भगवान भोले का अनन्य भक्त था। लेकिन कर्म राक्षसों वाली थी, प्रवृत्ति राक्षसों वाली थी, व्यवहार राक्षसों वाली थी, अहंकार राक्षसों वाली थी, इसके नाते वो राक्षस हो गया। तो हमारे यहाँ चातुर्ण वर्ण में है, कर्म के आधार पर व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, महापुरुषों ने, हमारे महाराजा मनु ने होता क्या है कि जैसे हम हनुमानगढ़ी पर अभी हैं, तो आपने कहा पूज्य महंत राजूदास जी, अब साधु हम भी हैं, साधु यहाँ पर 1000 हैं, इस मठ में कई महात्मा हैं, लेकिन कोई भंडारी है, कोई कोठारी है, कोई महंत है,
कोई गद्दीनशीन है, सब साधु सब एक ही झोली से खाते हैं, लेकिन अलग अलग व्यवस्था दी गई। तो उस समय में जब सृष्टि की संरचना हुई तो मुझको लगता है जो व्यवस्था, जैसे आज देश की आज़ादी के बाद संविधान बना और संविधान में व्यवस्था बनी, यह डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये आईएएस, ये पीसीएस, ये साइंटिस्ट, ये दरोगा, ये सिपाही, ये एसएसपी, ये डीएम, ये डीआईजी, ये आईजी, ये कमिश्नर, ये पार्षद, ये प्रधान, ये जिला पंचायत सदस्य, ये जिला पंचायत अध्यक्ष, ये प्रधान, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति। पहले क्या था, पहले जैसे होता क्या था कि जैसे हमारे पिताजी भजन पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि वो अपने बच्चे को उसी भजन पाठ पूजा पाठ में लगाते थे। तो एक वंश परंपरा चलने लगी, वंश परंपरा चलने लग गया कि हाँ उनके बेटे जो है बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान निकल गए, फिर उनके बच्चे और अच्छे विद्वान निकल गए, उसमें जो नहीं निकल पाए तो फिर दूसरे लाइन में चले गए। उसी प्रकार से जो जिसमें जिसकी रुचि थी, महाराजा मनु ने लगाया कि तुमको ये काम दिया, वो काम करने लगा, उनको ये जिम्मेदारी दिया, वो जिम्मेदारी निभाने लगा, उनको वह जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी निभाने लगा, इसी प्रकार से कार्य चलने लगा। लेकिन कतिपय कुछ घृणित आक्रमणकारियों ने, समाज में जहर और द्वेष फैलाने वाले लोगों ने इतना जाति पाति का रंग दे दिया, इतना भेदभाव का जन्म दे दिया, जिससे समाज में इस समय उस प्रकार से क्लेश फैली है जिसका जवाब नहीं। आप समझो, जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी जो व्यक्ति खर और दूषण को एक बाण में मार दे, जो व्यक्ति तारका और सुबाहु को एक बाण में मार दे, वो गिरगिराए कि हे केवटराज नैया पार लगा दो, नैया पार लगा दो भैया, नैया पार लगा दो। और भी तत्काल नहीं, कई दिनों तक गिरगिराते रहे। और उन्होंने बुद्धि लगाई थी, जितने नौकाबान थे वहाँ का जो क्षेत्र के राजा थे उनसे निवेदन कर दिया था कि भगवान को पार हम ही लगाएं प्रभु, इसके नाते आप सभी नौका वाले को मना कर दो, कोई तट पे ना दिखे। समझो, जो व्यक्ति एक बाण से इतने भी राक्षसी को मार दे, तारका को, सुबाहु को, और वह व्यक्ति गिरगिराए। जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने कहा निषाद राज से, तुम मम प्रिय भरसम भाई, तुम भरत से भी प्रिय हो मेरे भाई। आप समझो, सबरी के जूठे बैर परमात्मा खा रहे हैं। वो सबरी माता, जिस माता को ऋषि मुनि महात्माओं ने जंगल में प्रयास किया, कुलटा है, कुलक्षणी है, ये नीच जाति का है, इसका परछाई मेरे ऊपर ना पड़े, लेकिन सबरी मैया का भाव देखो। सबरी मैया ने, उनके गुरुजी ने कहा कि हे भीलनी जात के वासी बेटी, तुम जंगल में मेरे, अब मेरा जाने का समय हो गया है, और तुम यहाँ हो तो भाग्यशाली हो, और इसी रास्ते से पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम अपने भाई सहित हाई सीते हाई सीते हाई सीते करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए अपनी पत्नी को ढूंढेंगे, लेकिन उनके माया में मत पड़ना, वो साक्षात नारायण है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम मानवता को किस प्रकार से पाठ पढ़ाने के लिए, मानव को किस प्रकार से संघर्ष, त्याग और संघर्ष करना पड़ता है सत्यनिष्ठ बनने के लिए, सत्व्रत पालन करने के लिए, उच्च कोटि तक पहुंचने के लिए, उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए मानव को कितना झेलना पड़ता है, वो मानवता को सिखाने के लिए परमात्मा जन्म ले रहे हैं। उनकी माया में मत आना, ये मत सोचना कि पत्नी ढूंढ रहे हैं तो मानव है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा भगवान है। रोज माँ सबरी फूल तोड़ के लाती थी और भगवान के चरणों में बिछाती थी और राम राम करते रहती थी। रोज का काम था, रोज फल अच्छे अच्छे चुनकर लाना रोज करती थी। इसके इतर हट के जो महात्माओं से दूरी बनाते थे, उन्होंने कहा संतों की सेवा करते रहना, तो गुरु जी ने कहा कि संत तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे संत हैं, तीर्थक मैं बात कर रहा हूँ, कहें संत तो इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। बोले कोई बात नहीं, साधु हैं, इसी प्रकार से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा मन खराब ना हो, बस तुम्हारा उनके प्रति भाव खराब ना हो, साधु अक्खर प्रवृत्ति के होते हैं,
इसके नाते साधु ऐसे बोलते हैं, समझो वो महात्मा का प्रसाद है, उसी प्रकार से तुमको प्रसाद मिल रही है। तो माँ सबरी बहुत सवेरे उठती थी, लकड़ी बीन कर लाती थी, अच्छे अच्छे पुष्प बीन कर लाती थी, हवन के लिए लकड़ी बीन कर ले आती थी, और गोबर से हवन कुंड लीप देती थी, पुष्प रख देती थी, लकड़ी रख देती थी। महात्मा जब सुबह में उठते थे तो देखकर प्रसन्न होते थे, और महात्मा सुबह उठने के बाद देखकर प्रसन्न होते थे तो महात्मा आशीर्वाद देते थे कि वाह क्या बात है, जिसने भी ये कार्य किया है उसको खूब 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 आशीर्वाद, उसके लिए मंगल कामना। तो इसके नाते उससे उसके जीवन में इतना बदलाव आया। तो समझो परमात्मा और संत की कोई जाति होती ही नहीं है। हम जब संकल्प करते हैं, सुबह जब पूजा पाठ करते हैं, तो जब पंडित जी संकल्प देते हैं, हम बोलते अछुत्र गोत्र, बाकी और तमाम जो लोग हैं सारे लोग अपने अपने गोत्र के लेकर संकल्प करते हैं, लेकिन जब हम संकल्प करते हैं तो बोलते हैं अछुत गोत्र। इसके नाते हम दास हो गए, हम हरिजन हो गए, भगवान की दास हो गए, हम हरिजन हो गए, इसके नाते हमसे बड़ा चमार कौन धरती पर पैदा लिया, गर्व से कहता हूँ तो कहा डंके की चोट पे। जो आप अयोध्या की खूबसूरती आपको बता दें, सोचकर अचंभा होगा, आप अयोध्या के गलियों में जब घूमेंगे, अयोध्या के गलियों में घूमेंगे तो आपको कुर्मी छत्री बरई मंदिर मिल जाएगा, राम जानकी छत्री निषाद राज मंदिर मिल जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा राम जानकी छत्री निषाद राज मंदिर आपको मिल जाएगा, राम जानकी चंद्रवंशी यादव मंदिर, राम जानकी छत्री कुर्मी मंदिर, राम जानकी छत्री धोबी मंदिर, राम जानकी छत्री पासी मंदिर, राम जानकी कुर्मी राजभर मंदिर, तेली मंदिर, निषाद मंदिर, भर मंदिर। आप समझो ये राजा महाराजा क्यों छत्री लगाते थे, आप समझो जिस प्रकार से समाज को बांटने का लोगों ने साजिश किया ना, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और अयोध्या में ऐसे से आपको मंदिर मिलेगा तो उनके मुंह पे करारा तमाचा है अभी भी, जो लोग समाज को बांटने की साजिश करते हैं, जाति को जाति से लड़ाकर शुद्ध रूप से अपने रोजी रोटी चलाने के लिए और इस प्रकार से घृणित वातावरण पैदा करते हैं। बिल्कुल, उनको एक बार अयोध्या आना चाहिए और अयोध्या का कल्चर देखना चाहिए जो ये लोग ये कहते हैं। और उन्होंने जिनकी जिक्र मैंने किया, उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बट उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति अगर आप दिखा दोगे तो मैं 21,000 रुपए का इनाम दूंगा। मैं दिखा रहा हूं, मेरा लो ना प्रत्यक्ष प्रमाण, लो ना, मैं आपका वीडियो दिखाकर इनाम लेने वाला हूं। भेजना जो भी वो कहता है, बताओ उसको कि जाओ राजू दास से मिलो। अच्छा, फिर वहीं पर आते हैं कि आप हनुमान जी की सेवा कर रहे थे, राजनीतिक सफर आपका कब शुरू हुआ और आपने कब कैसे सोच मन बनाया कि राजनीति में आकर के जनता की सेवा की जाए? थोड़ा सा में बदलाव आया, मैं शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक व्यक्ति था और मैं लगातार ठाकुर जी की सेवा, गुरु जी की सेवा, गाय की सेवा, गोबर उठाना और खूब डंड पेलना, पहलवानी किया करते, खूब जो है सवेरे उठना हमारी दिनचर्या थी। रात में हर हालत में 9 बजे तक सो जाता था, 10 बजे तक सो जाता था, और रात में 2 बजे उठ जाता था। 2 बजे उठकर नित कर्म क्रिया करने के बाद मैं दौड़ने निकल जाता था, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर रोज़ दौड़ मारता था। दौड़ मारने के बाद वापस आता था, 2000 बैठक मारता था, फिर अखाड़ा जाता था, अखाड़ा गोड़ता था, कुश्ती लड़ता था, फिर जो है 1000 हनुमान दंड मारता था, फिर पुनः वापस आता था। वापस आने के बाद तुरंत तत्काल बादाम पीसता था और बादाम को दूध में मिलाता था और दूध में मिलाने के बाद उसको पी लेता था। वो पीने के बाद तुरंत तत्काल बाल्टी उठाता था, गैया को पानी पिलाता था, और गैया को पानी पिलाने के बाद फिर से थोड़ा सा चूनी चोकर गौशाला में गैया को चलाता था। फिर तुरंत जो है झाबा उठाया, गोबर फेंका, झाड़ू लगाया, और पाल जो है ठंडी में जब अंदर से निकाल कर बाहर किया, गौ माता को फिर पुनः दूसरे जगह स्थापित किया, और पुनः गौशाला से भागकर ये हनुमानगढ़ी मंदिर आया, और फिर भोजन किया, बर्तन साफ किया, फिर गुरुजी का चरण दबाया, और फिर वापस गए, फिर 1-1.5 घंटा सोए, फिर 1-1.5 घंटा सोने के बाद फिर उठे, नित कर्म क्रिया किया, और फिर जो है 2000 हनुमान दंड मारा, और हनुमान दंड मारने के बाद फिर पुनः
जो है हनुमान दंड मारने के बाद फिर तत्काल में गैया का सानी चलाया, और गैया का सानी चलाने के बाद फिर बादाम पीसा, और बादाम पीसने के बाद पिया, फिर जो है गौशाला और भी गैया का दरिया बनाना, फिर जो है शाम की ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, फिर तुरंत आ गया हनुमानगढ़ी मंदिर में स्नान ध्यान करके फिर रात्रि में फिर हनुमान जी की सेवा में पहुँच गया, फिर मतलब 24 घंटे अपने आप को एकदम लीन कर दिया। एक घटना घटी, ये हर संडे को यहीं नंदनी नगर में कुश्ती लड़ने जाया करता था, तब नंदनी नगर का निर्माण नहीं हुआ था, तुलसीपुर में नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जी हर संडे को कुश्ती का आयोजन करते थे, तो मैं हर संडे जाया करता था कुश्ती लड़ने के लिए। एक दिन मैं गया तो नेताजी ने कहा कि जो है यहाँ जो है वो वही लोग कुश्ती में लड़ेंगे जो स्टूडेंट होंगे, तो मेरे यहाँ एक बच्चा रहता था वर्मा, उन्होंने कहा वर्मा जी नेता कहा कि जो है यहाँ बच्चा कुश्ती लड़ेंगे जिनका कार्ड होगा, तो बोले कि आप का एडमिशन कहाँ तक है, तो मैं उत्तर मध्यमा कंप्लीट कर लिया था, पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा मतलब हाई स्कूल और उत्तर मध्यमा मतलब इंटर कंप्लीट हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कागज़ दे दो हम साकेत डिग्री कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। उन्होंने तत्काल साकेत महाविद्यालय में एडमिशन करा दिया और साकेत महाविद्यालय में एडमिशन करा दिया। 1999 की बात है जी 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 जी, साकेत महाविद्यालय में एडमिशन करा दिया, तो एडमिशन करा दिया मैं दूसरे दिन जो है वो लेकर अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर पहुंच गया वहां, और उन्होंने मना किया कि अरे कैसे चले आए, तो उनके जो कोच था कोच ने कहा कि इनका स्कूल की तरफ से, बोले कौन से स्कूल की तरफ से, बोले कि साकेत, बोले नाम काटो यहाँ से नाम लिखो यार, इतना सुंदर पहलवान है अपने यहाँ के स्टूडेंट रहेगा कहाँ वहाँ से। हमने कहा नहीं नेताजी मैं तो वहीं से वो जो है वो करूँगा, तो फिर हम यहीं से कुश्ती आने जाने लगे, मैं नागालैंड मिजोरम सिक्किम इम्फाल स्कूल की तरफ से ही मैं कुश्ती लड़ने के लिए गया। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने देखा कि कुछ बच्चे ने पकड़ा कि महाराज जी वो मेरा वो क्या कहते हैं वो प्रैक्टिकल में नंबर कम आया है, थोड़ा नंबर के लिए आप बात कर लेते हो, तो हमने कहा एक ऐसे होता है, बोला कि आप आगे चलिए मैं पीछे चल रहा हूँ और चिट पे नाम मैं लिख देता हूँ और गुरु जी को आप दे दीजिएगा तो गुरु जी ने नंबर हमको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो हमने कहा ऐसा। तो मैं जब गया तो गेट बंद था, वहाँ 2-3-4 अपना जो है वाइट वाइट कपड़ा पहनकर और जो है सब कुर्सी पे लड़के बैठे थे, मुझको कोई अंदर घुसने नहीं दिया, तो हमने कहा भाई ये जो अंदर बैठा है ये कौन लोग है, ये बोला कि ये लोग नेता हैं, तो हमने कहा नेता कैसे बनता है, बोला कुछ नहीं करना है 2-4 होल्डिंग लगवा दीजिए और कपड़े जो है आप वाइट पहन लीजिए, हमने कहा हमने वाइट क्यों पहनेंगे हम साधु हैं हम ऐसे रहेंगे होल्डिंग। बस दूसरे दिन जो है हमने अपने बच्चों को फ़ोन किया, 3-4 होल्डिंग लग गई जो आपने देखा, और होल्डिंग लग गई तो फिर जो है फिर मामला अपना चौचक हो गया, जिसको जो जिस टीचर को कहा वो सुन लिया, जिस प्रोफेसर को जो कहा वो सुन लिया, तो ये थोड़ा सा राजनीति में जाने का ये शुभ अवसर मिला और उस शुभ अवसर का मैंने लाभ लिया। उस शुभ अवसर का लाभ मैंने ऐसे लिया, जब क्लास नहीं चलते थे तो मैं टीचर को परेशान करता था और बच्चों को भी प्रताड़ित करता था मैं कि तुम लोग घूमने का बजाय आप मेरे साथ क्लास लोगे, आप मेरे साथ क्लास लोगे, तो बच्चे भी मन लगता था, बच्चे क्लास लेते भी थे, और टीचर जो क्लास लेने नहीं आता था तो प्रिंसिपल के सामने में जाकर प्रिंसिपल से लड़ता भी था झगड़ता भी था, और बीच में एक ऐसे मामला हो गया फीस कुछ बढ़ गया, तो फीस बढ़ गया तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे साकेत महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने छात्र नेताओं की मीटिंग किया, उन्होंने कहा अवध यूनिवर्सिटी का घेराव करो और बच्चे का फीस कम कराओ, तो हम लोग गए अवध यूनिवर्सिटी का घेराव किया और बच्चे को जो है हम लोग जब तक बैठे रहे जब तक जो है कुलपति महोदय माने नहीं फीस कम नहीं किया, तो एक सेवा करने का भी अवसर मिला। उसी में मुलाकात हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ पदाधिकारियों से हो गई, फिर मैं टच में आ गया और टच में आ गया तो फिर संघ विचार परिवार के टच में आ गया और विद्यार्थी परिषद में काम किया, संघ विचार परिवार में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में काम किया, बजरंग दल में काम किया और समाज के लिए काम करता हूँ, सनातन संस्कृति के लिए काम करता हूँ, हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ, इसके नाते वहाँ से हमारी जुड़ाव हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप राम जी की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात कर रहे थे, आपका पूरा बचपन बीता, अभी तक आपका ये सारी चीज़ें जवानी बीती, कभी कुछ आपके साथ, मैंने एक फिल्म देखी थी अभी रिसेंटली, आप लोगों ने देखी शायद, एक वेब सीरीज आई थी अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश करके, शायद मैंने आपको उसमें भी देखा था, एक सीन था उसमें कि एक बंदर जो है
अनुमान गढ़ी से कोई एक बम रहता है उसको डिफ्यूज कर देता है, और उन्होंने बताया कि डंकी की चोट की ये घटना सत्य है। तो कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं जो आपको अध्याय के विषय में याद हो? ये मैं आपको बाद में बताना चाहता हूँ, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे बारे में हनुमान जी की कृपा कैसे हुई और मेरा विश्वास हनुमान जी के प्रति बढ़ा कैसे। हमने आज तक हनुमान जी को नहीं कहा कि हमको ये दे दीजिए जी, ये दे दीजिए, लेकिन राजनीति में ये दे दीजिए, लेकिन हनुमान जी से मैं सब कुछ मांगता था, भोजन मांगता था, कपड़ा मांगता था, जो भी मेरे पास नहीं रहता तो वो मांगता था। एक दिन ऐसे ज़रूरत पड़ी, किसी ने मुझसे कुछ पैसा मांगा, तो हमने हनुमान जी से पास मैं पहुंचा और मैंने कहा कि बाबा मुझको इतना पैसा दे दो, काम है। अब देखिए बाबा अंदर जहाँ बैठे उसी के नीचे गुरु जी बैठते हैं, गद्दी है उसके, और अंदर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है उसके, और बगल में दाहिने तरफ गैस चूल्हा रखी हुई थी, वहाँ पर हम ठाकुर जी का भोग प्रसाद बना रहा था। सुबह का 8:30 बज रहा था, ठंडी का समय था, अब भीड़ बहुत होती है, तब भीड़ ना के बराबर हुआ करता था, तब भीड़ ना के बराबर हुई करती थी। तो एक व्यक्ति आता है, पल्ला खोलता है, गुरुजी सवेरे घूमने जाते थे, गुरुजी थे नहीं, मैं रोटी से ठाकुर जी का भोग बना रहा था, और एक व्यक्ति पल्ला खोलता है, पल्ला खोलने के बाद जाकर हनुमान जी के पास उस समय में 11,000 रुपया रख देता है, वो चला आता है, वो बोलता भी नहीं, फिर बाहर से पल्ला बंद कर देता, वापस हो जाता है। हमने कहा, और फिर अब मेरा मन लालच भी आ गया, भाव भी बढ़ गया, तब मैं और फिर सब कुछ हनुमान जी से कराने लग गया, अपने लिए, दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं कहा, अपने लिए है। जैसे कुछ मुझको ज़रूरत पड़ गई, मैंने कह दिया ये चीज़ चाहिए। आपने कहा ना क्या कभी माता पिता की याद नहीं आई, इसलिए याद नहीं आई क्योंकि हनुमान जी महाराज ने माता पिता की कमी कभी खलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खलने दिया। इतनी हनुमान जी कृपा, इतनी हनुमान जी कृपा, इतनी हनुमान जी कृपा, इतनी हनुमान जी कृपा जिसका वर्णन नहीं। फिर एक दिन और ऐसे हुआ, एक बीच में समय आया कि मंदिर बरसात का महीना था, बहुत भीड़ भी नहीं था, पूरा कड़कड़ाहट, खूब तेज़ आंधी चल रही थी, खूब तेज जो है बरसात हो रही थी, और मंदिर परिसर में कोई नहीं था, पारखत बाहर आया था, उस दिन हमारी ड्यूटी नहीं थी, मैं मंदिर में नहीं था, मैं बाहर था, पारखत बाहर निकला था, तो पारखत धुलने जा रहा था, पारखत धुल लिया, पुजारी जी अंदर चौका लगा रहे थे, मंदिर में कोई नहीं था। फिर देखो ये मन की पाप मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने हनुमान जी से बोला आज देखते हैं तुम्हारी कृपा कैसे बरसती है, आज तो कोई नहीं है और हमको अभी 10 मिनट के अंदर पैसा चाहिए, और हमको 5,000 रुपया चाहिए और 10 मिनट के अंदर चाहिए और देना पड़ेगा आपको। अब मैं देखता हूँ आप देते कैसे हो, ये हमारी हनुमान जी से वार्ता हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हनुमान जी के मैं सामने में ही हूँ, हाथ जोड़ा हूँ, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, पीछे से जब झोंका लग रहा था तो हम लोग भींग भी रहे थे और खूब जो है आनंद भी आ रहा था। उतने में एक दो व्यक्ति भींगते हुए आया, वो व्यक्ति स्वाभाविक है जहाँ आप रहते हो आसपास के व्यक्ति उस प्रकार का सम्मान नहीं करते, आपस में कटता रहता है, फुटमता रहता है, और वह फलाने ही तो हैं, फलाने ही तो हैं, बाहर का आदमी दूसरे भाव से देखेगा, यहाँ के आदमी दूसरे भाव से देखेगा, ये मेरा नजरिया है, मैं किसी का भाव का अपमान नहीं करना चाहता, हो सकता है उनका भाव बहुत सुंदर रहा हो, वो बहुत अच्छे मानते हो, मैं उनकी भाव पे नहीं जाता, मैं अपनी भाव बताता हूँ। जैसे आप यहाँ कराते हो, अरे भैया फलाने थे, बस कहेगा फलाने से मिलवा दो, अरे ठीक ठीक मैं कह दूंगा फलाने मिल जाएंगे, चाहे ऐसा हो जाएगा। मैं हनुमान जी से हमारी वार्ता चल रही थी, 3 से 4 मिनट में एक अयोध्यावासी ही व्यक्ति आता है, उसके साथ एक अदना व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि राजूदास जी को 5,000 रुपया दे दो और एक काम में इनको प्रयोग करना है। अयोध्यावासी जो 1 रुपया किसी को नहीं देने वाला पड़ोसी, वो ये कहता हो कि मतलब ये हमने कहा 10 मिनट के अंदर चाहिए और ये घटना है 15 मिनट के बाद। मैंने 10 मिनट में कहा मुझको चाहिए, घटना है 15 मिनट में, और ऐसा उन्होंने किया। तब फिर कान पकड़ने का प्रयास किया कि अब मैं इस प्रकार से हनुमान जी को परेशान नहीं करूँगा,
फिर हुआ क्या कि मैं चुनाव लड़ रहा था, चुनाव में कभी हनुमान जी से नहीं कहा कि मुझको टिकट चाहिए। लोगों ने कहा कि हनुमान जी से विनती करो, मैंने कहा हाँ हनुमान जी से हमने कहा है। किसी ने कहा करे हनुमान जी से तो कभी कहते नहीं, हमने कहा क्या कहना है, हनुमान जी से ये सब चीज़ कहा जाता है क्या, हनुमान जी से तो ऐसे चीज़ कहो कि फिर कभी मांगने का मौका ही नहीं मिले। लेकिन जो दैनिक क्रिया हमारी थी, क्योंकि माता पिता हमारे हनुमान जी थे, मेरा सारा खर्चा उठाते हनुमान जी थे, मेरी सारी व्यवस्था हनुमान जी करते थे, तो थोड़ा सा कभी भटकाव आ जाता था। तो चुनाव नगर निगम का लड़ रहा था और टिकट किसी और को मिल गई, मैं किसी दूसरे पार्टी में भग गया। निर्दल लड़ रहा था लेकिन मैं तत्काल में, एक पार्टी थी शिवसेना, उसमें भगा, क्योंकि तत्काल में समय कम था और एक ही दिन में, मतलब 5 दिन बचा था चुनाव, मतलब उसका 10 दिन बचा था वोटिंग का, तो हमने कहा 10 दिन में हर व्यक्ति तक, निर्दल लड़ने के बाद कखी मिलेगी, कराही मिलेगी, आल्टी मिलेगा, बाल्टी मिलेगा, क्या मिलेगा, छाता मिलेगा, जाता मिलेगा, क्या मिलेगा, तो वो नहीं पहुंच सकता है। इसके नाते तुरंत तत्काल दिमाग में आया शिवसेना के पास तीर धनुष है, हमने वार्ता किया संजय राउत से और उन्होंने बात कराया। उस समय में महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी, जो उद्धव जी से और उद्धव ठाकरे जी से, और उद्धव ठाकरे से वार्ता हुई और तत्काल उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी को टिकट दो, महाराज जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ शंका जाहिर किया था कि महाराज जी आप तीर धनुष धर दोगे, क्योंकि आप बीजेपी के बहुत करीबी हो, योगी जी के करीबी हो, जहाँ योगी जी कुछ बोलेंगे तीर धनुष धर दोगे। लेकिन मैं गुस्से में था, मैंने कहा कभी तीर धनुष धरने वाला है बाबा काम नहीं करता है, हम तीर धनुष नहीं रखेंगे, हम तीर धनुष नहीं रखेंगे और इसके नाते आप मुझको सहयोग करो और आप मुझको टिकट दो और हम ये कार्य करेंगे। तो तत्काल में फिर हम चुनाव लड़ने का स्टार्ट किया, और चुनाव लड़ने का स्टार्ट किया तो टिकट मिला नहीं। फिर मैंने प्रचार प्रसार इतना कर दिया कि LIU और IB ने रिपोर्ट दिया कि इनको इतना वोट मिलेगा, तो सरकार खड़बड़ा गई, योगी जी संपर्क करने लगे, फिर उन्होंने बैठाया तो एक मंच पर जाना था। उस मंच पर जब हम पहुंचे तो होता तो क्या था कि हम सार्वजनिक काम करने के नाते अधिकारियों से मेरी बनती नहीं थी पुलिस प्रशासन से, तो वहाँ SSP ने रोका कि आप मंच पर नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर हमने फिर उधर से ये कहा गया कि नहीं आपको जाना ही है, तो मैं मंच पे गया तो वहाँ पर हर व्यक्ति जो है उन्होंने माननीय जो भी नाम होगा, तो मुख्यमंत्री जी जैसे आए तो हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ दिया, हमने भी मुख्यमंत्री जी को, किसी ने विधायक ने पकड़ा है तो मैंने कुछ दिया, फिर बैठ गए। फिर उन्होंने संबोधन करना सबको शुरू किया, जब संबोधन सबको शुरू करना किया मेरा नाम नहीं लिया, तो मन से मैंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया कि हे हनुमान जी महाराज, पूज्य महाराज जी के जो है सिर पर ऐसा गदा मारो, मैं तो दूसरे भाव में कहा मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैंने कहा महाराज जी के सिर पे ऐसा गदा मारो कि एक शब्द मेरे लिए बोल दें, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगने लग गया था कि 1,00,000 रुपया लेकर 2 4-व्हीलर लेकर चुनाव में बैठ गए। मेरे जो शुभचिंतक जो मुझको निर्दल लड़ाते थे, वहाँ मैंने महाराज का देखा, तत्काल में आँख बंद किया और आँख बंद करके अपने अंतरात्मा से एक बूंद हनुमान जी के चरण में चढ़ाया। हमने कहा प्रभु तत्काल में भी आप इनसे बोलिए कि 2 शब्द मेरे लिए बोले, नहीं तो जितने मेरे शुभचिंतक हैं वो बोलेंगे कि ये जबरदस्ती जो है ये बैठ गया पैसा लेकर। और इसके नाते तो मुख्यमंत्री जी देखिए, तत्काल में उन्होंने, बीच भाषण में कोई बोलता उलता नहीं, बीच भाषण में उन्होंने कहा कि मैं राजू दास जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी टीम सहित यह पुनः BJP में आए मेरे कहने के नाते और पुनः चुनाव जिता कर लेके आएंगे। आप समझो इस प्रकार से हमने पुनः हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया। तो इसके नाते हमने और कई कर और लोगों के लिए, एक कैंसर पीड़ित था, एक व्यक्ति मरने वाले थे उनके लिए निवेदन किया, तत्काल ठीक हो गया। एक व्यक्ति बहुत परेशान था उनके लिए निवेदन किया, ठीक हो गया। कुछ एक व्यक्ति थे जिनको बच्चे नहीं होता था, उसके लिए हनुमान जी से निवेदन किया, ठीक हो गया। एक व्यक्ति की स्थिति बहुत ख़राब थी, उसके लिए प्रार्थना किया, हनुमान जी ने ठीक कर दिया। तो धीरे धीरे करके हमारी आस्था भी बढ़ती गई और हनुमान जी के प्रति लालच भी बढ़ता गया कि क्या करना है, हनुमान जी मेरा काम करते ही हैं, तो मैं शुद्ध रूप से हनुमान जी के ऊपर ही निर्भर हो गया। तो इसके नाते रही बात, आपने अयोध्या की 2-3 घटनाओं का जिक्र किया, जो मैंने महसूस किया, जो घटना मैंने अपने आँखों से देखी, हनुमानगढ़ी के सामने में कुकर प्रेशर बम रखा था और रामनवमी का वक्त था, और अगर कोई छू देता
उसमें भी जो डायनामाइट तोड़ने वाला, मतलब कोयला फोड़ने वाला जो डायनामाइट होता है वो लगा हुआ था, कई हजार लोग मरते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हनुमान जी ने उसको बचा दिया। नंबर एक। नंबर दो, अयोध्या रेलवे स्टेशन पे टाइम बम लगे हुए थे, टाइम बम लगे होने के नाते टिक 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 की आवाज़ आती है, तो हनुमान जी के रूप में जो इनके बंदर है जाकर तार तोड़ दिया, तार को काट दिया, और बंदरों की पंचायत बैठी थी, झुंड बैठा हुआ था, तब जाके पुलिस वाले पहुंचे, तब जान पाए, तब जो है देखा, उन्होंने कहा कि बताओ ट्रेन चली गई और धमाका नहीं हुआ। तीसरी घटना जो मैंने देखा, अयोध्या राम जन्मभूमि पर 17 ग्रेनेड फेंके गए, एक नहीं 17 ग्रेनेड, और 17 के 17 ग्रेनेड का पिन निकाला हुआ, एक ग्रेनेड चलो नहीं दगा, दो नहीं दगा, तीन नहीं दगा, चार नहीं दगा, पांच नहीं दगा, छह नहीं दगा, अरे राम राम, 17 ग्रेनेड का पिन निकाला हुआ, और पांच ग्रेनेड त्रिपाल पे फेंका था, वो भी कोई अलग नहीं, पांच ग्रेनेड त्रिपाल पे था, और जब बम स्क्वाड दस्ता उसको डिस्पोज करने के लिए पहुंचा तो हनुमान जी ने ऐसी गदा मारी कि वो लोग घायल हो गए, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। तब विश्वास हो गई कि हम वाकई में हनुमान जी महाराज अयोध्या के कोतवाल हैं, और रक्षा और सुरक्षा अयोध्या के हनुमान जी ही महाराज करते हैं। राजनीति की बात आपने की, आपने बहुत सारे किस्से बताए कि कैसे आप टिकट आपको नहीं मिल पाया, चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन जब भी आपको टिकट मिलेगा हम लोगों को विश्वास है कि आप बहुत भारी मतों से जीतेंगे और जनता की सेवा के लिए जाएंगे, ऐसा क्या कुछ? लेकिन लेकिन अब भाव नहीं है चुनाव लड़ने का, मान लीजिए ऐसा कभी हो, नहीं अब मन ही नहीं, अब एक शुद्ध रूप से इच्छा यही है, पूरे देश में अब जरूरत है सनातन धर्म संस्कृति पे कार्य करना, विषय बहुत गंभीर है। किस तरह का कार्य करना चाहते हैं? कार्य समाज में बहुत ज्यादा धर्मांतरण, छुआछूत, ऊंच नीच, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। जिस प्रकार से हम बहुत बड़े महंत हैं तो हम दबे, कुचले, शोषित, वंचित, दलित जो अपने आप से हमसे अलग मानता है उसके साथ नहीं उठते हैं, नहीं बैठते हैं। एक समय हुआ करता था पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति का ही डंका बजता था, एक समय हुआ करता था उदय से लेकर अस्त तक सनातन धर्म संस्कृति ही था, जो सनातन धर्म संस्कृति यह सिखाता हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, जो विश्व बंधुत्व का भाव सिखाता है आज वो खत्म होने के कगार पे है, जो स्वतः अपने बहन बेटियों से संबंध बनाता है, जो तलवार के नोक पे सलवार पहनाता है, जो ये कहता है बुद्ध पूजक काफिर होता है, इसके गला काटने से 72 हुरे मिलते हैं, जन्नत मिलते हैं, वो धर्म बढ़ते चला जा रहा है। जो धर्म वृक्षों की पूजा करता हो पर्यावरण की रक्षा के लिए, जो धर्म पानी की रक्षा के लिए नदी तालाब कुंडों की पूजा करता हो, जो धर्म जीवों की रक्षा के लिए विषैले सांपों की पूजा करता हो, जो धर्म पर्यावरण प्राकृतिक शुद्ध रहे, दूध दही घी मिले, ऐसे गौ माता की पूजा करता हो, बैल को जिस प्रकार से नंदीमान की पूजा करता हो, जो मातृशक्ति को जो है स्त्रियों को मातृशक्तिमान की पूजा करता हो, जो कंकर कंकर में शंकर देखता हो जो धर्म, आज वो धर्म भारत में नवराज्य में अल्पसंख्यक हो जाए। इसके नाते इस पर कार्य करने की जरूरत है। चुनाव हारना जीतना ये तो किस्मत की बात है, जो भी सेवा करेगा वाकई में जीतेगा, किसी किस्मत खराब होगा वही हारेगा। तो चुनाव लड़ने का अब कोई भाव नहीं है, अब शुद्ध रूप से भाव है समाज में काम करने के लिए कि सनातन धर्म संस्कृति कैसे रक्षा हो सुरक्षा हो। मैं देखता हूँ कलावा पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, रोली लगा लेते हैं, गले में जो है रुद्राज की माला पहन लेते हैं, दो दिन हमारे बहन बेटियों को फंसाते हैं और बाद में 56 टुकड़े, 72 टुकड़े, 35 टुकड़े कर देते हैं, सब देखकर तकलीफ होती है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक मसला हुआ था पिछले साल और काफ़ी बहुत ही मीडिया में चर्चा का विषय बने थे पूरे देश में, क्या था वो? जो अक्सर एक लोग हैं जो अक्सर सनातन धर्म पर कटाक्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने रामचरितमानस को ही जलाने की चेष्टा की, क्या था पूरा मसला? दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने तो नाम लेना पसंद नहीं किया, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि बसपा सरकार में वो वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी सरकार में गद्दावर मंत्री थे, सपा सरकार में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चला रहे हैं, वो एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पूर्व मुख्यमंत्री माने अखिलेश यादव जी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे।
यह कह के बच जाना कि व्यक्तिगत बयान है, जैसे हम साधु हैं, इस मठ के अदना सा साधु हैं, चाहे महंत हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, अगर हम कोई शब्द बोलते हैं तो सीधे तौर पर आरोप लगेगा कि हनुमानगढ़ी का महंत, हनुमानगढ़ी के संत, चाहे इस संत ने ऐसे अभद्रता का प्रयोग किया। हम व्यक्तिगत कहाँ रह गए, हम व्यक्तिगत तो है नहीं। तो जिस प्रकार से कह के अखिलेश यादव जी बच जाते हैं कि व्यक्तिगत बयान उनका है, मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो बीजेपी में थे तब ऐसे शब्दों का प्रयोग वो क्यों नहीं किया? और मेरी विवाद उनका कोई पर्सनल विवाद नहीं था, हमारी विवाद एक चैनल की डिबेट में वो जा रहे मैं जा रहा था, वो आ रहे थे और उसका भाषा देखिए, उसने कहा कि यही आतंकवादी है, ये आतंकवादी है और जिसने मेरे गला काटने के लिए किसी को इनाम दिया है और इसके ही पूर्वज रामचरितमानस में गंदी गंदी गाली लिखा है, पकड़ो इसको। मैंने कहा महोदय आप वो दिन भूल गए क्या जब आपका 5 बार हमने स्वागत किया, सम्मान किया, आपका कार्यक्रम कराया, आपके परिवार में उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, क्या आप वो दिन भूल गए क्या? बोले तुम्हारे जैसे बहुत गुंडे को देखा है मैंने, बहुत को ठीक किया है। हमने कहा क्या साधु से आप इतने सीनियर हैं ऐसे बोला जाता है क्या? बोला कि तुम्हारे बोला ऐसे ही तुलसी दुबुआ भी रामचरितमानस में जो गाली लिखा है। तो हमने कहा आपसे निवेदन है कि आप जो है एक राजनेता हैं और इस प्रकार से राजनेताओं को नहीं बोलना चाहिए। और रही बात तुलसी दुबुआ, तो तुलसीदास जी हैं, तुलसी दुबे नहीं हैं, उन्होंने रामचरितमानस का संरचना किया, उन्होंने अपने से नहीं किया, पारब्रह्म परमात्मा भगवान भोले का आदेश से और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से वह ग्रंथ लिखी गई है और वो महामंत्र है, ग्रंथ नहीं है, उसके एक एक शब्द आप समझो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जो जब रावण ऐसे बैठा था और कुंभकर्ण बहुत दिनों के बाद जगा, और जब कुंभकर्ण बहुत दिनों के बाद जगा तो उसने कहा भैया बहुत चिंतित बैठे हो, तो उन्होंने कहा हाँ भैया एक नारी को मैं हर लाया और वो नारी मेरे तरफ देखती नहीं है, तो कहें रावण भैया तुम्हारे यहाँ नारी की कौन कमी है? बोले कि नहीं उसके ऊपर मेरा मन आ गया था, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत नारी है और मैं जब वह विदेहराज जनक ने धनुष यज्ञ किया था तब भी मैं गया था, कोशिश किया था लेकिन सफलता नहीं पाई, दोबारा जो है वो पुष्प जो है ये जंगल में मिल गई और फिर मैं उसको हर लाया लेकिन एक भी बार वो हमको देखती नहीं है, यही पीड़ा यही कष्ट है, इसी दुख के मारे मैं मत्था पकड़ के बैठा हूँ। बोले कैसे हरे? उन्होंने कहा कि साधु के रूप में, कहीं बस इतनी छोटी सी बात, अरे साधु के रूप में हरण किया, राम का रूप बना लो भाई, उसका पति का रूप बना लो और उसका पति का रूप बना करो आपको देखने लगेगी। बताओ एक पापी कहता क्या है? पापी यह कहता है कि जैसे ही भैया राम का रूप मैं बनाता हूं वैसे ही वो मेरी बेटी दिखने लगती है। आप समझिए मर्यादा पुरुषोत्तम का ये चरित्र है और उस रामचरितमानस को कोई फाड़ने प्रतिबंध और जलाने की बात करेगा तो स्वाभाविक हम साधु हैं, धर्म के रक्षक है, खून खोलेगा, आखिर हम धर्म की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसी चीज को लेकर हमारा उनका बात विवाद था। विषय यह है आप सनातन को नहीं मानते, मैं इस्लाम को नहीं मानता तो मुझको किसने अधिकार दिया इस्लाम को गाली देने का? मैं ईसाईत को नहीं मानता तो प्रभु यीशु को किसने बोला कि गाली देने के लिए? मैं कहाँ गाली देता हूँ, ना मोहम्मद साहब को गाली देता हूं, ना प्रभु यीशु को गाली देता हूं, तो ये नालायक कौन होते हैं? सनातन को गाली देंगे, सनातन मतलब हिंदू मतलब चोर, इतनी मजाल हो गई किसी को? ये वहां जो है हिंदू मतलब ढोंग है, ढकोसला है, सनातन मतलब कुछ नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के ही नाते हमारा उनका बात विवाद था। निजी मेरा किसी से कोई विवाद नहीं, हम सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं, दबे सोचित वंचित, यहाँ तक कि जो लोग किसी के घर में पानी पीना पसंद नहीं करते पहले मैं उन्हीं के घर में जाता हूँ, उन्हीं के घर सोता हूँ, उन्हीं घर खाना खाता हूँ, इससे लोगों को तकलीफ होती है, तो अगर कोई कुछ बोले तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विषय था, चलिए मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने की तैयारी है, बचपन से आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, इसमें आप लोगों ने आहुति दी है, भविष्य में आपको और भी जो जगहें हैं
सनातन धर्म को स्थान है जो, उनको लेकर कि आप लोगों की क्या योजनाएं हैं, किस तरीके का आप उसको लेकर प्रतिबद्ध हैं? तत्काल में हमारी योजना ये है कि अभी भव्य दिव्य नव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, इसकी और भव्यता दिव्यता दी जाए। 67 एकड़ जमीन सरकार ने मुझको एक्वायर करके दिया था, इसके अलावा हमने और भी जमीन खरीदी है, बढ़ाई है, और वो सरकार का एक भी रुपया यहाँ पर नहीं लग रहा है, एक भी रुपया नहीं। देश दुनिया से रहने वाले राम भक्त सनातनियों ने जो भी समर्पण निधि के माध्यम से जो वहाँ पर दिया है, उन्हीं के पैसे से डेवलपमेंट, उन्हीं के पैसे से निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ तक कि हम प्रयास में अयोध्या के और तमाम मंदिर हैं उसका पुनर्उद्धार कैसे करें। इसके बाद जो दूसरा फेस मेरा है, दूसरा फेस में हमारा है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। जब अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, जब भगवान राम को टेंट से मुक्ति मिल गई, तो क्या पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जहाँ उनकी जन्मस्थली है, क्या उनको मंदिर नहीं मिल पाएगा? इसकी लड़ाई, इसकी तैयारी, कानूनी लड़ाई, मैं तलवार के बल पे किसी को सलवार नहीं पहनाया और ना तो हम किसी को दबाया। हमने सबको फलने फूलने का अधिकार दिया, सभी मजहब, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का सम्मान किया। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए विधिक लड़ाई के साथ हम वहाँ पर लड़ाई लड़े हैं। और लेकिन अब जब सनातनी चाहेगा तो फिर ताकत के बल पर भी उस जो ज्ञान जो शहीदगाह है उसको हटा कर वहाँ मंदिर का निर्माण करेंगे। तीसरे फेस में मेरा काशी है। काशी काम कंप्लीट हो चुका है लमसम, अब वहाँ कुछ बचा नहीं। सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे प्रूफ सामने, जो बाहर से दिख रहा है वो सनातन में है, लेकिन कार्बन डेटिंग से लेकर, सर्वे से लेकर, सर्वेक्षण से लेकर, जो सामने प्रतीक चिन्ह है, जो जो चीज़ें हैं, अगर उसको नहीं मानेंगे तो उत्खनन भी करवाएंगे। तो वो भी, उसके अलावा और भी जो आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, खरंदकारियों ने जो हमारे धार्मिक तीर्थ क्षेत्र जो उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, उसकी मुक्ति और पूरे देश में सामंजस्य, समानता, एकता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व के साथ कार्य और काम करेंगे और इस पर विजयश्री हासिल होगी। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तमाम आपसे ऐसे प्रश्न पूछे गए होंगे कि इनको नहीं बुलाया गया या ये नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के जो आसपास की जो जनता है, जो रामलला का दर्शन करने के लिए आना चाहती है, तमाम लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि हमको नहीं बुलाया गया, तो उन जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे 22 तारीख के लिए, क्या वो करें? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, भगवान राम किसी अयोध्या में बुलाने की किसी की जरूरत नहीं, अभी तक तो कोई नहीं बुलाता था जी। नहीं, बहुत लोगों ने कहा कि वो VIP कैसे हो गए, नहीं, नहीं, हीरो नहीं, नहीं, इसलिए इसलिए विषय ये है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है पूरा देश सनातन में है, भगवा में है। भगवान राम जन जन के नायक हैं, कण कण में उनकी व्यापकता है, हर व्यक्ति के मन में भाव होता है कि हम वहाँ तक पहुँचें, वहाँ तक जाएं। इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, त्याग किया, लाठियाँ खाए। यहाँ तक कि हम अगर कह देते थे कि हम राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आए तो लोग पानी नहीं पूछते थे, घर में बैठने नहीं देते थे। आज कोई कह दे कि हम मंदिर अयोध्या जा रहे हैं तो लोग आरती उतारते हैं, चाहे वो किसी अन्य मजहब का क्यों ना। मैं देख रहा था 2-3 वीडियो, एक मुस्लिम बेटी है वहाँ से चली, इस्लाम को मानने वाली है, सब लोग उसकी आरती उतार रहे थे। तो विषय ये है कि अब इस प्रकार से हर व्यक्ति से मैं अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि किसी को निमंत्रण मिला चाहे नहीं मिला, भगवान राम सबके हैं, सभी दल, सभी मत मतांतर के मानने वाले, सभी संप्रदाय के भगवान राम हैं। आप जरूर अयोध्या आइए, 22 तारीख को ही नहीं भगवान मिलेंगे, सब दिन भगवान मिलेंगे, जहाँ कण कण में उनकी व्यापकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, 22 तारीख के एक मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा का इसके नाते, और उस दिन बुलाए जा रहे हैं लोग, ट्रस्ट के द्वारा लोगों ने निमंत्रण दिया है, ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। और प्रयास है कि नव भव्य दिव्य मंदिर में हम अपेक्षा करेंगे, देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनियों से अपील है कि आप अपने अपने घर में ही आसपास के जो मंदिर है वहाँ पर है, दिए जलाएं, खूब स्तुति करें, खूब विनती करें, खूब भजन संकीर्तन करें, और आप के पास में जो पड़ोस में मंदिर है या तो उसमें करें, या तो फिर ये प्रयास आपका होना चाहिए कि आसपास के अलावा, आसपास के अलावा जो बड़े मंदिर है वहाँ पर करें। अगर वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं तो अपने घर में ही करके, बैठो, अपने घर में ही करके अपने जीवन को धन्य करें। ये अपेक्षा, ये निवेदन आई। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और आपकी जो रूटीन है, दिनचर्या देख करके
हम लोग थोड़ा हतप्रभ हो गए कि आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी समय रहा तो मैं मंगल कामना करता हूँ आपके, आपके सभी चैनल और आपके सभी दर्शकों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।